नमस्कार। आज अपने बात करेंगे सी टेट के एक पेपर के जो कि 2019 जुलाई का ये पेपर है सी टेट का। इस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस पेपर में सिर्फ हम बाल विकास यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड जो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि CDP से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं सिर्फ उनको सॉल्व करेंगे। तो इस 2019 जुलाई वाले पेपर जो कि सी टेट का पेपर है, इस पेपर में साइकोलॉजी से रिलेटेड यानी कि बाल विकास से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनका सही आंसर क्या होगा और क्यों होगा, इस सारी बातों को अपने इस क्लास में जानेंगे। लेकिन ये बातें जानने से पहले स्वागत है आपका DFFT क्लासेस दिल्ली के अंदर, जिसका पूरा नाम है दिल्ली फेडरेशन ऑफ फ्यूचर टीचर। यहाँ पर हम इस कोचिंग में भविष्य के जो शिक्षक हैं उनको गवर्नमेंट शिक्षक या सरकारी मास्टर बनने में या अध्यापिका या अध्यापक बनने में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। और यहाँ पर आयोजित होने वाली कक्षाओं को लेकर कई राज्यों में जो शिक्षक और शिक्षिकाओं के तौर पर यहाँ से निकले हुए बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आप भी अगर शिक्षक किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है DFFT के अंदर। वर्तमान में हमारी ये कोचिंग जो है कोरोना की वजह से एक बार क्लोज है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हमारी जारी हैं। और कोरोना काल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट तो कैसे हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब हम वापस जो है ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे सी टेट के लिए और जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं DSSB के लिए। तो वर्तमान में जो COVID-19 है उसको देखते हुए चूँकि हमने ऑनलाइन क्लासेस चला रखी हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सी टेट 2019 जुलाई का ये पेपर, इसको अपने सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है इसमें कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चे, यहाँ पर देखिए ऊपर एक बात लिखी गई है कि आपको सबसे सही उत्तर, सबसे उपयुक्त उत्तर देना है। कि सी टेट के पेपर की खास बात ये होती है कि इसमें जो ऑप्शन होते हैं लगभग चार जो ऑप्शन दिए जाते हैं लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते से होते हैं, और एक बार आपको पढ़ने से लगेगा कि चारों ऑप्शन ही सही हैं और होते भी हैं, काफ़ी हद तक चार ऑप्शन सही भी होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि अपने को सबसे उपयुक्त उत्तर देना है, सबसे उपयुक्त उत्तर देगा उसी बच्चे को जो है इसके मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे उपयुक्त उत्तर देना है, सही तो हो सकता है चारों ही हो जाएं, लेकिन अपने को सबसे सही या सबसे उपयुक्त उत्तर जो है वो देना है। तो बच्चों देखिए, पहला जो प्रश्न है इसमें वो क्या कहता है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चे। तो जीन प्याजे के अनुसार सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये जीन प्याजे है कौन। जीन प्याजे दोस्तों, जीन प्याजे जो है ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसको स्विस मनोवैज्ञानिक भी, स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के थे ये मनोवैज्ञानिक, और इन्होंने एक अधिगम या लर्निंग के तहत एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या था, इस सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था इस सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और अपने इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने जो है चार प्रकार की अवस्थाएं बताई थी, चार अवस्थाएं इन्होंने बताई थी संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से। इन्होंने जो अवस्थाएं बताई थी अपने सिद्धांत में, इन्होंने कहा सबसे पहली जो अवस्था थी जिसको हिंदी में इन्होंने कहा था संवेदी क्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था जो है इन्होंने बताई थी कि जन्म से यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है उसको संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और इस इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। इन्होंने, जीन प्याजे ने इस अवस्था का नाम रखा था, और इसको हिंदी में कहते हैं संवेदी क्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था होती है 0 से 2 साल। और दूसरी अवस्था इन्होंने बताई थी उसको कहा गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस दूसरी अवस्था को क्या कहा गया था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था है, एड देने वाले बीच में अपना काम कर ही रहे हैं। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था की अगर अपने बात करें तो ये 2 से 7 साल की बताई। जीन प्याजे ने कहा था कि 2 से 7 साल की जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे प्री ऑपरेशनल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। और जो इन्होंने तीसरी अवस्था बताई थी जीन प्याजे ने, इस अवस्था का नाम था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये 7 से 11-12 वर्ष की मानी जाती है, और इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल बताई इन्होंने, और जो फोर्थ इन्होंने बताई थी वो थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 11 वर्ष के बाद, 11 के बाद की अवस्था, 11 या 12 वर्ष के जो बाद की अवस्था है उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, या इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जीन प्याजे जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया था कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है ये 0 से 2 साल की होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 साल की अवस्था होती है इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 साल की होती है इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष के बाद की होती है इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। ये थे जीन प्याजे और इनका ये परिचय, इनका ये सिद्धांत जो कि इन्होंने लर्निंग यानी कि अधिगम में दिया था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन क्या है। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान को सक्रिय, इसका आंसर यही है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं, यानी कि जो चिल्ड्रन होते हैं एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। यानी कि जीन प्याजे कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, यानी कि एक्टिव होते हुए ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। यानी कि जो छोटा बच्चा होता है जो 0 से 2 साल का, फिर 2 से 7 साल का, 7 से 11 साल का, 11 वर्ष के बाद जैसे जैसे अगली अवस्था में चला जाता है वो दुनिया को देखकर व्यवहार को सीखता है, उनके जैसे स्किल्स को अपनाता है और खोज करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और अपने ज्ञान को इसी तरह पक्का कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट आंसर है वो सबसे उपयुक्त आंसर है। बाकी आंसर तो ये भी सही है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, लेकिन ये जो बात की गई है ना ये अल्बर्ट बांडूरा ने अपने एक सिद्धांत में कही थी। अल्बर्ट बांडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, वहाँ पर ये बात उन्होंने की थी। सामाजिक परीक्षण सिद्धांत में सामाजिक अवलोकन का सिद्धांत था जो कि अल्बर्ट बांडूरा ने दिया था, क्योंकि ये जीन प्याजे से संबंधित बात भी है, लेकिन इससे पहले बांडूरा जो है इस बात को अच्छे से बताते हैं, इसलिए हम इसको बांडूरा की बात मानेंगे, इसको बांडूरा के सिद्धांत के तहत मानेंगे, इसलिए ये आंसर सबसे उपयुक्त नहीं हुआ। सबसे उपयुक्त आंसर हमारा फर्स्ट यही हुआ। अगला क्वेश्चन है कि चालक विकास की दर में उपस्थित चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक होता है। तो ये जो क्रम होता है ये अपरिष्कृत
अपरिष्कृत से परिष्कृत तक होता है, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट तक होता है, यानी कि जो बच्चा होता है उसका जो व्यवहार है वो पहले अपरिष्कृत है, वो चीज़ों को सही ढंग से नहीं करता, तो इसका मतलब अपरिष्कृत है, और धीरे धीरे वो उसको सीख लेता है और उसको अपने अपने व्यवहार को परिष्कृत कर लेता है। इसलिए अपरिष्कृत से परिष्कृत, यानी कि जो अशुद्ध था अशुद्ध से शुद्ध की ओर करता है। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो तीसरा है। अगला प्रश्न है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों किशोरावस्था कहते हैं। वयस्कता की पहल, मेच्योरिटी, जिसको अपने क्या बोलते हैं, मेच्योरिटी या एडल्टहुड जो होता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत किशोरावस्था से होती है, क्योंकि अगर अवस्थाओं की बात करें तो एक जो होती है शैशवावस्था होती है, एक शैशवावस्था होती है और एक बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था और एक किशोरावस्था होती है, ये अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वयस्कता के संक्रमण की पहल, यानी कि जो व्यक्ति एकदम मेच्योर बनता है, तो मेच्योरिटी की जो शुरुआत होती है वो कौन सी अवस्था से होती है? वो किशोर अवस्था से होती है। शैशवावस्था ये तो जन्म से 3 साल की अवस्था ही होती है, और जो बाल्यावस्था होती है ये 6 से 12 साल की अवस्था होती है, और 12 साल से 18-19 साल की अवस्था जो होती है वो किशोर अवस्था होती है। तो मेच्योरिटी की शुरुआत इसी अवस्था से होती है, किशोरावस्था से होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। अब एक अगला प्रश्न है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। मान लो कोई हिंज व्यक्ति है और वो दवाई की चोरी कर रहा है, और बच्चा उस हिंज के लिए एक तर्क करता है कि वो जो हिंज जो दवाई की चोरी करता है ना, वो दवाई उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी थी। मान लो कि कोई हिंज व्यक्ति है और उसकी पत्नी बेहद बीमार है और उसको दवाई की ज़रूरत है। अब हिंज जो है वो दवाई की चोरी करता है। चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसको अपनी पत्नी को बचाना है। अब जब ये हिंज जो चोरी करता है दवाई की, इसको एक बच्चा देख लेता है चोरी करते हुए, तो छोटा बच्चा जो है वो तर्क करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रैकेट में लिख रखा है ना, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और फिर जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत? तो दोस्तों ये थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन इसने पूछा है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा है किससे? कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था। एक कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का नाम है नैतिक, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत, इस नैतिक विकास सिद्धांत में इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 6 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने। 6 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी? नंबर एक बताई थी इन्होंने आज्ञा और दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा और दंड की अवस्था जो होती है, उसके बाद दूसरी अवस्था इन्होंने बताई थी। दूसरी बताई थी अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था, इस अहंकार की अवस्था को अदला बदली की अवस्था भी कहते हैं। और ये दोनों अवस्थाएं कब होती हैं बच्चे में? ये होती हैं 4 से 10 साल की अवस्था में। उसके बाद तीसरी अवस्था उन्होंने बताई थी प्रशंसा की अवस्था। बालक या बालिका प्रशंसा चाहता है, इसमें सबकी शाबाशी चाहता है, प्रशंसा की अवस्था। और जो चौथी अवस्था है वो कौन सी है? वो है यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। सामाजिक
व्यवस्था के प्रति, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। ये दोनों अवस्थाएं जो होती हैं, ये अवस्थाएं होती हैं 10 से 13 साल, 10 से 13 वर्ष में। और फिफ्थ जो कोहलबर्ग ने बताई थी वो थी सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था। और एक सिक्स्थ नंबर पे इन्होंने बताई थी विवेक की अवस्था, पेशेंस, विवेक मतलब पेशेंस, विवेक की अवस्था। और ये दोनों अवस्थाएं जो हैं ये 13 साल के बाद की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वापस हम पढ़ लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। यानी कि साफ पता चल रहा है यहाँ पर, अगर वो हिंज दवाई नहीं लेता तो उसकी पत्नी मर जाती है, इसलिए वो उसकी आज्ञा का पालन भी कर रहा है, और फिर पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, इसका मतलब उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो यहाँ पर आज्ञा और दंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आज्ञा और दंड का विन्यास। वैसे कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, ये तो हम सिद्धांत अब इस पेपर सोल्विंग में तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा सिद्धांत है, इन सभी अवस्थाओं के बारे में जानना है। इसने 6 अवस्थाएं बताई थी, फिर इन अवस्थाओं को 3 उपअवस्थाओं में बांटा था, फिर उसके बाद में हम विस्तार से पढ़ते हैं, तो हम ज़्यादा तो इस क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए अपने सीधा सा थोड़ी सी बात मैंने बता दी जो इस आंसर के पीछे की है, कि यहाँ पर आंसर होगा दंड और आज्ञा पालन का अभिविन्यास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की उनको क्या कहते हैं, इसकी बात करते हैं यहाँ पर अपने। तो ये जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की ये मनोवैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। अब यहाँ पर वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत तो बहुत बड़ा है, ये तो कहता है कि वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों का और भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत तो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर सिर्फ हम आंसर की बात करें कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, तो उन्हें अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं, जो कि बच्चे अपने आप से करते हैं। बच्चे जब किसी कठिनाई में पड़ जाते हैं तो अपने आप से बात करते हैं, किसी समस्या में पड़ते हैं तो अपने आप से बात करते हैं कि यार क्या किया जाए, उसको अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। जैसे कोई मान लो किसी बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं है, अब उसकी टर्न आने वाली है, जो टीचर है कॉपी चेक करता आ रहा है, उसकी टर्न आने वाली है, तो ऐसा बच्चा अपने आप से जो है बात करता है कि यार मुझे बचना किस टाइप से है, तो इस टाइप की जो बातचीत अपने आप से करता है उसको अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। यानी कि कोई भी खिलौना हो, उसको कोई छोटी बच्ची भी पसंद करती है, कोई बच्चा भी पसंद कर सकता है, कोई पर्टिकुलर पहनावा है, जैसे जीन्स है लड़कियां भी पहनती हैं, लड़के भी पहनते हैं। अब अपने कहते हैं नहीं, जीन्स तो लड़कों की है, ये लड़कियां कैसे पहन सकती हैं, इस टाइप से किसी कलर को वो लड़कों के लिए बता देना और किसी को लड़कियों के लिए पर्टिकुलर बता देना, इस टाइप से अगर हम बात करते हैं तो हम किसी विशिष्ट लिंग के साथ संबंध करते हैं उस चीज़ का। अगर ऐसी अपने कोई बात करते हैं तो इसका मतलब ये जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर रूढ़िवादिता,
यानी कि किसी भी चीज़ को किसी पर्टिकुलर महिला या पुरुष से जोड़ देना। अपने कहते नहीं भाई, ये तो पैंट शर्ट पहनना तो सिर्फ लड़के ही जानते हैं, लड़कों को ही पैंट शर्ट पहनना चाहिए, लड़कियों को नहीं पहनना चाहिए, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। इसलिए किसी भी खिलौने को, पहनावे को, वस्तु को, किसी रंग को किसी पर्टिकुलर जेंडर से जोड़ना जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। इसलिए यहाँ पर आंसर हुआ जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। क्वेश्चन अच्छा है कि प्रारंभिक कक्षा, मान लो कोई नर्सरी की, फर्स्ट सेकंड की कोई बच्ची है, उस वो कोई अपने साथ कोई एक्सपीरियंस लाती है क्लासरूम के अंदर, उसके घर में कोई घटना घटी है, किसी टाइप का भी उसके साथ कोई एक्सपीरियंस है हुआ है और वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है, तो फिर टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को ये करना चाहिए कि उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उस एक्सपीरियंस को जो है संचय करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, और उस बच्ची की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उसके एक्सपीरियंस को स्टडी के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर बनेगा, सबसे उपयुक्त आंसर ये होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि एक शिक्षक को चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। 8वें नंबर में देखें तो यहां पर आंसर जो है इसका वो है फोर्थ, कि वह संप्रेषित करे, वो संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व दे। यानी कि कोई शिक्षक है कि वो क्लास में किसी एक धर्म के पक्षधर नहीं होना चाहिए, किसी भी एक संस्कृति का पक्षधर नहीं होना चाहिए। क्लास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के बच्चे उपस्थित रहते हैं, तो शिक्षक को किसी एक धर्म का पक्षधर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि इधर आंसर देखें इंग्लिश में तो कम्युनिकेट दैट ही रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑल कल्चर इन द क्लासरूम, कि शिक्षक को चाहिए कि वो सभी के धर्मों का पालन, सभी के धर्मों का आदर करे, सभी के धर्मों का रिस्पेक्ट करे और सभी के कल्चर का रिस्पेक्ट करे, किसी पर्टिकुलर एक धर्म का पक्षधर शिक्षक को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 होगा। फिर है निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार, क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 9, ये पर्टिकुलर एक पूरा टॉपिक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 RTE, राइट टू एजुकेशन, ये अलग से एक टॉपिक भी होता है, इसको अपने पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल अपने यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 2009 किसकी वकालत करता है। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा की वकालत करता है ये, और ये समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा जो ऐसी एजुकेशन, या हम कह सकते हैं एजुकेशन टू ऑल, एजुकेशन टू ऑल, एजुकेशन जिसमें सबको समाहित किया जाता है, सबको शामिल करना, ऐसी एजुकेशन जिसमें सबको शामिल करना उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसमें इस चीज़ का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़की है या लड़का है, अमीर है या गरीब है, ऐसी सोच को, ऐसी बिना सोच के जो शिक्षा सबको दी जाती है उसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। और अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 2009 जो है वो इसी बात की वकालत भी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 समावेशी 10 जो है समावेशी शिक्षा के संबंध में ही है, यहाँ पर आंसर यही है कि अब इसको आगे रखकर पढ़ो। समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय अवस्था में सम्मान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के इसने यहाँ पूछ लिया, ये और ये सेम ही क्वेश्चन है, 8वां और 9वां और 10वां सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा लिया इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर भी समावेशी शिक्षा ही इसका आंसर है कि समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो स्पष्ट है कि यहाँ से आंसर जो है 1 नंबर होगा। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ के और स्तंभ खे में, यानी कि कॉलम ए को कॉलम बी से अपने को जोड़ना है, कॉलम दोनों कॉलम जो हैं और किस कॉलम में कौन सी बात जो है किसके लिए कही गई है, इसको अपने को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है उसको अपने ढूंढते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उसके उसका मतलब ये है कि शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने सीखने की योग्यता होती है प्रतिभाशाली बालक में।
अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे क्वेश्चन की अधिगम अशक्तता क्या होती है? अधिगम अशक्तता किसको बोलते हैं? ये होती है लर्निंग डिसेबल्ड, यानी कि जो बच्चे ठीक से नहीं सीख सकते हैं उनमें अधिगम अशक्तता होती है, यानी कि किसी चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाना, ढंग से नहीं सीख पाते हैं, उनमें अधिगम अशक्तता होती है। इसमें यहाँ पर जो है इसका अर्थ ये हुआ, इसका ऑप्शन ये होना चाहिए कि धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है, वो अधिगम अशक्तता है। और जो तीसरा है सृजनात्मकता, सृजनात्मकता किसको बोलते हैं? क्रिएटिविटी को कहा जाता है। और सृजनात्मक कौन होते हैं? क्रिएटिव चाइल्ड जो होते हैं, क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं वो सृजनात्मक होते हैं। और यहाँ पर सृजनात्मकता का संबंध जो है वो किससे होना चाहिए? इसका होगा मूल संसाधनों के बारे में सोच सकते हैं, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकते हैं, वो सृजनात्मक हैं। और जो अवधान की कमी यानी कि अति सक्रियता व्यतिक्रम, जिसको बोलते हैं अटेंशन डिफेक्ट, इधर देख लो, यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा अटेंशन डिफेक्ट जो है डिसऑर्डर, ADHD इसको बोलते हैं, अवधान की कमी, अति सक्रियता व्यतिक्रम, इसका आंसर होगा आसानी से विचलित होने की आदत, जो बच्चे जल्दी से घबरा जाते हैं उनमें होता है ये। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस हिसाब से जो हमने किया है, यहाँ पर आंसर दिया है, इस हिसाब से यहाँ पर आंसर बन रहा है हमारा 2 नंबर पे, ये वाला आंसर इसका सही है। और यहाँ पर जो एक चीज़ आई है कि अधिगम अशक्तता, ये कई टाइप के रोग होते हैं, अधिगम अशक्तता एक टाइप से बीमारियाँ ही हैं ये, जिसमें लिखने से जो संबंधित समस्या होती है उसको डिसग्राफिया कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? डिसग्राफिया। और ये डिसग्राफिया जो बच्चे ठीक से नहीं लिख पाते हैं वो उनसे संबंधित होता है। एक होता है डिसलेक्सिया, एक डिसलेक्सिया भी होता है। और डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने से संबंधित, जो बच्चे ठीक से नहीं पढ़ते हैं किसी चीज़, जैसे मान लो स्कूल लिखा हुआ है स्कूल, ये होता क्या है? ऐसे होता ना स्कूल, लेकिन इसको बोलते हैं सकूल, सकूल बोलते हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पर गलत बोलते हैं। ऐसा कोई बच्चा बोलता है तो उसको डिसलेक्सिया है। इसी तरह स्टेशन होता है, लेकिन कोई स्टेशन बोल दे तो उसको डिसलेक्सिया है। इसी तरह डिसप्रेक्सिया भी होता है, बोलने और पढ़ने दोनों से संबंधित होता है। इस तरह से डिसकैलकुलिया भी होता है, जो कैलकुलेशन ठीक से नहीं करता। तो ये बहुत सारे अधिगम अक्षमता होती हैं, इनको अपने पर्टिकुलर इसकी जो क्लास है उसमें ही पढ़ सकते हैं। एक प्रोजेरिया भी होता है, जो कम उम्र में वृद्धावस्था के जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको हम प्रोजेरिया भी कहते हैं। और जो एक ऐसे बच्चे होते हैं जो भाषा को ठीक से ग्रहण नहीं करते, उनमें असेफिया होता है, भाषा से संबंधित बात को ठीक से नहीं सुन पाते हैं तो उनको असेफिया होता है। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं, इनका अपने जो पर्टिकुलर इसकी क्लास होगी वहाँ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? जब वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब तक बच्चा किसी एक्टिविटी में खुद भाग नहीं लेता तब तक वो ठीक से उसको नहीं सीख पाता। कि मान लो किसी को रस्सी के सहारे आप तीसरी मंजिल पर चढ़ना सिखाना चाहते हैं, और उसके सामने आप बार बार रस्सी के सहारे मंजिल पर चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, चढ़ते हैं, सिर्फ अपने को आपको देख कर ये बच्चा नहीं सीख पाएगा। मान लो कभी उसको तीसरी मंजिल पर चढ़ना है तो वो सिर्फ आपने उसको ऐसे सिखाया कि आप उसके सामने रस्सी पर चढ़े उतरे, तो बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चे को खुद रस्सी के सहारे तीसरी मंजिल पर पहुंचना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। जब तक वो खुद इस एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रश्न था कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, प्रभावी रूप से इफेक्टिव रूप से कब सीखेंगे बच्चे? जब वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। खुद जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी भी गतिविधि में तब तक वो नहीं सीख सकते। अगला प्रश्न है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए या पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए। और लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली में होता क्या है कि जो बच्चा ज़्यादा प्रश्न पूछता है तो टीचर उसको जो है उससे चिढ़ने लगता है। तो ये एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। जो बच्चा ज़्यादा प्रश्न पूछता है
वो फेवरेट स्टूडेंट होना चाहिए। मेरे तो भाई वही फेवरेट स्टूडेंट होते हैं जो मेरे से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा प्रश्न पूछेगा तो शिक्षक को ज़्यादा पढ़ेगा, और ज़्यादा पढ़ेगा तो शिक्षक विद्वानों का भी विद्वान बनेगा। तो शिक्षक को विद्वान बनाने का काम बच्चे ही करते हैं, इसलिए जो बच्चे ज़्यादा प्रश्न पूछें वो टीचर के फेवरेट होने चाहिए। और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए। ये काम किसका होता है? ये काम शिक्षक का होता है। अगला प्रश्न है 14वां कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है? याद रखना, नहीं है, इस टाइप के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, यहाँ पर ये प्रश्न है आपकी बार। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 14वें क्वेश्चन का आंसर आप देखिए फटाफट से, क्या आंसर हो सकता है इसका, फिर मैं बताता हूँ। फोर्टीन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो यहाँ पर स्पष्ट है कि कंठस्थीकरण और स्मरण, कंठस्थीकरण और स्मरण जो है यहाँ पर इसका ये आंसर है। कंठस्थीकरण का मतलब किसी चीज़ को रटना और याद करना, रटना जो है वो गलत होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर 14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या होगा? सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं। तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं। यहाँ आंसर फर्स्ट है। प्रश्न क्या था? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको समझाने की आवश्यकता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि समझाने की कोई आवश्यकता है। कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं। यानी कि जिन शिक्षकों को पढ़ाने के दौरान पता लग जाता है कि मेरी बात किसको समझ में आई, किसको नहीं समझ में आई, जब शिक्षक को ये पता लगने लग जाता है, तब ऐसे बच्चे जो हैं वो सीखने के लिए उत्सुक भी होते हैं और प्रेरित भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं और ईगर भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बच्चों की गलतियाँ अधिगम का एक भाग है, लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसका एक पार्ट है। गलतियां तो लर्निंग प्रोसेस का, लर्निंग का एक पार्ट है। जब आप कुछ सीखोगे तो गलतियां भी करोगे, जब सीखोगे नहीं तो गलतियां भी नहीं करोगे, इसलिए अधिगम का एक भाग है गलतियां, तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अंतर्दृष्टि का मतलब दूर दृष्टि, यानी कि उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। तो बच्चों की गलतियां जो हैं अधिगम का एक भाग हैं, तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती हैं। यहाँ पर बात करें तो आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इन टू देयर थिंकिंग। जो इंसाइट होती है जिसको अंतर्दृष्टि कहते हैं, जो कि उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है, समझदारी के स्तर को भी अंतर्दृष्टि या इंसाइट कहा जाता है। तो जब कोई बच्चा लर्निंग करेगा तो उसके दौरान उससे गलतियां होना लाजमी है, अधिगम का एक भाग होती हैं गलतियां, इसलिए यहाँ 16 में हमारा आंसर होगा 3 नंबर। अब आता है मूल्यांकन, असेसमेंट। असेसमेंट को यानी कि मूल्यांकन को यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए कि क्या कहा जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। आंसर यहाँ पर क्या है? शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है असेसमेंट। और यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा प्रश्न पूछा हुआ है, तो सीधा सा आंसर यही है इसका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन को। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाया कुछ और है, बच्चों ने पढ़ा कुछ और है, और असेसमेंट के रूप में कुछ और दिया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए किसको? मूल्यांकन को। यानी कि मूल्यांकन उसी चीज़ का किया जाए जो टीचर ने पढ़ाया और बच्चों ने जो पढ़ाया है उसी का। तो यहाँ पर आंसर होगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 18 की। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, अधिगम का मतलब लर्निंग, लर्निंग है। क्या है आंसर यहाँ पर? एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि लर्निंग जो है वो एक एक्टिव एंड सोशल कैरेक्टर होता है इसका, कि बिना एक्टिवनेस के जो है लर्निंग हो नहीं सकती। इसलिए एक्टिवनेस जो होता है, सक्रिय या सामाजिक प्रक्रिया जो है वो अधिगम के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन
हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य की आसानी से छोड़ देने की संभावना है। यानी कि जब बच्चा जो है अच्छा नहीं कर पाता है और उसके माता पिता या उसके पेरेंट्स या उसके टीचर जो हैं उसको बेवकूफ़, मूर्ख इत्यादि ऐसी बातें करते हैं, तो ऐसा बच्चे से जब बार बार रिपीट किया जाएगा इन बातों को, तो ऐसा बच्चा वास्तव में जो है अपने आप को मूर्ख समझने लगता है। उसको लगता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। फिर ऐसा बच्चा जो है धीरे धीरे स्टडी से बैक होने लगता है, पिछड़ने लगता है। तो ऐसे शब्द, पहली बात तो इस प्रश्न को आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे शब्द किसी भी बच्चे से नहीं कहने चाहिए कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, तू तो कर ही नहीं सकता। इस टाइप के जो वर्ड हैं बच्चे से नहीं बोलने चाहिए, ना ही पेरेंट्स को ना ही टीचर को, ये बात ध्यान रखें। अब इस प्रश्न के उत्तर का आंसर आपको मिल ही गया होगा कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। वास्तव में जब कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पाता तो उसको महसूस होने लगता है कि वो अच्छा नहीं है और हतोत्साहित महसूस करते हैं अपने आप को, डीमोटिवेटेड समझते हैं, फील करते हैं वो अपने आप को, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, आगे जाके किसी भी काम को करने की चेष्टा ही नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते, कोई एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा है, प्रश्न आसान है, थोड़ा सा इसने घुमा दिया, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। इस 19वें प्रश्न का आंसर ये है कि संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। संज्ञान जो कि संज्ञान को क्या कहा जाता है, आम भाषा में कहा जाता है खोजबीन, खोजबीन, खोजबीन जो होता है वो संज्ञान है। और संवेग, संवेग कहते हैं इमोशन को, इमोशन जो होते हैं वो संवेग हैं। तो बच्चा जब कुछ गलत करता है तो इमोशन से संज्ञान को जोड़ लेता है, खोजबीन को जोड़ लेता है, और बच्चा जब इमोशन से इस चीज़ को जोड़ लेता है तो फिर वो बिन किसी भी काम को शुरू करने से पहले जब उसको शुरुआत में लगेगा ये डिफ़िकल्ट है तो उसको शुरुआत ही नहीं करेगा, उसके लिए प्रयास ही नहीं करेगा। ये दोनों बातें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं हैं। संज्ञान और संवेग एक ही होते हैं। यहाँ पर आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 20। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है, कि किसी भी बच्चे को जो है आप प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं, इस 20वें प्रश्न को देखें। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा 4 है कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने और बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब बच्चा किसी समस्या में पड़ता है तो बच्चे को उस समस्या को खुद ही सॉल्व करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, और जब वो किसी एक तरीके से असफल हो जाता है तो बच्चे को दूसरा तरीका आजमाने के लिए बोल देना चाहिए, दूसरे से फेल होता है तो तीसरा तरीका, यानी कि उसको बार बार तरीके बदलते रहने की आवश्यकता बताते रहने चाहिए, और ये काम शिक्षक का होता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर होगा 4। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सौ पहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर भी आंसर स्पष्ट है। यहाँ पर है अधिगम कर्ता केंद्रित विधि। अधिगम कर्ता कौन होता है? लर्नर, लर्नर यानी कि सीखने वाला। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड जो होता है वो उपयोगी होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न 22 कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बुद्धि के लिए, इंटेलिजेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? अगर 22वें प्रश्न की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आंसर है नंबर 4, बुद्धि बहुआयामी है। बुद्धि जो है बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। यानी कि बुद्धि कोई एक चीज़ नहीं है, बुद्धि में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि बहुआयामी है, और बुद्धि के संबंध में ये स्टेटमेंट ही सबसे राइट है। सबसे उपयुक्त आंसर की बात करें तो यही सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? बच्चा जो बच्चे का जो फर्स्ट स्कूल है वो किसको माना जाता है? परिवार को। परिवार कैसा है, बच्चे का सारा विकास उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चे की फैमिली है उसका फर्स्ट स्कूल माना जाता है, क्योंकि फैमिली जैसी होगी वैसा ही बच्चा बनता है। जैसा भी उस फैमिली में पेरेंट्स के द्वारा जो बिहेवियर किया जाता है सेम वैसा ही बच्चा भी करता है। किसी फैमिली के अगर अपने लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके
उस पूरे फैमिली के किसी बच्चे से आप मिल लीजिए, वो जैसा बिहेवियर करेगा ना सेम वैसा ही उसके पेरेंट्स करते हैं, तो हम किसी बच्चे से उसकी फैमिली का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये सामाजिकरण का माध्यम कौन सा है, प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम परिवार ही होता है बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था जीन प्याजे ने, अपने बात कर ही चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जीन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। प्रमुख प्रस्ताव की बात करें तो यह है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। यहाँ पर ये सही आंसर है इसका। जेंडर, जेंडर क्या है? जेंडर तो साफ पता चलता है, ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न आ गया। जेंडर एक जैविक निर्धारक है, बॉय या गर्ल, ये जेंडर से संबंधित है और ये जैविक निर्धारित है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 26, तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, निम्नलिखित में कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। यानी कि जब आप डेवलपमेंट या विकास के बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको बच्चे के शारीरिक विकास को जानना है, उसके बाद उसका संज्ञानात्मक विकास यानी कि उसके इंटेलिजेंसी से संबंधित बातें समझनी है, फिर सामाजिक दूसरे लोगों के साथ उसका व्यवहार क्या है, फिर संवेगात्मक या इसकी उसका इमोशनल बिहेवियर जानना होता है। तो जब भी किसी बच्चे के डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में हम जानते हैं तो सबसे पहले हम उसकी शारीरिक संरचना के बारे में, फिर उसका संज्ञानात्मक विकास जानते हैं, और फिर हम सामाजिक विकास जानते हैं, फिर संवेगात्मक विकास जानते हैं। तो यहां पर आंसर हमारा 26 का फर्स्ट बनेगा। अगले तीन चार लास्ट क्वेश्चन आ गए हैं, ये 30 क्वेश्चन आते हैं सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट के, बाल विकास के, मनोविज्ञान के 30 ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये लास्ट चार क्वेश्चन देखिए कि 27वां नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कोई भी चाइल्ड और लर्निंग, उन दोनों के बीच में अगर कोरिलेशन किया जाए तो कौन सी बात सही है, इसकी बात अपने करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 है कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत और दंडित करना होता है, कि अगर कोई बच्चा ठीक से नहीं सीख रहा है तो उसको पनिशमेंट भी देना चाहिए, और कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है तो उसको पुरस्कृत करना चाहिए, उसको जो है पुरस्कार देना चाहिए। एक थोंडाइक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर बच्चा अच्छा व्यवहार करता है तो उसको पुरस्कृत किया जाए, उसको पुरस्कार दिया जाए, और बुरा व्यवहार करता है तो उसको दंडित किया जाए। लेकिन एक स्किनर भी थे, B.F. स्किनर, बोहरिस फेडरिक स्किनर कहा जाता है जिनको, जिन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि बच्चा अगर बुरा व्यवहार करता है तो उस बुरे व्यवहार की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो बच्चा अगर अच्छा करता है तो उसको प्रशंसा या पुरस्कार देना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा बुरा व्यवहार करता है तो उसके उस बुरे व्यवहार को नज़रअंदाज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको दंडित करोगे, अगर आप उस बच्चे को बुरे व्यवहार पर पनिशमेंट दोगे, तो बच्चा बार बार बुरा व्यवहार करेगा और आप उसको पनिशमेंट देते रहे तो वो बच्चा ढीठ बन जाएगा, एक समय ऐसा आएगा आपके दंड का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए स्किनर कुछ और कहता है, जबकि यहाँ पर जो आंसर है वो थोंडाइक से रिलेटेड है। थोंडाइक ने कहा था कि बच्चा अगर गलत व्यवहार करे तो उसको दंडित किया जाए, बच्चा अच्छा व्यवहार करे तो उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर आंसर है दोस्तों, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, एक्टिव एक्सप्लोरर्स के रूप में बच्चों को देखा जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर भी एक लंबी चौड़ी स्पीच अपने दे सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर सिर्फ पेपर सोल्व कर रहे हैं तो सिर्फ आंसर की बात करें और थोड़ा सा उससे जुड़े हुए तथ्यों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, वाइगोत्स्की जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, इनके अनुसार एक सामाजिक गतिविधि है, इनके अनुसार एक सोशल एक्टिविटी होती है अधिगम, यानी कि लर्निंग क्या है इनके अनुसार एक सोशल एक्टिविटी है, यानी कि सामाजिक गतिविधि है। 30वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा, विचारों की अनुत्क्रमणशीलता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अनुत्क्रमणशीलता का मतलब रिवर्स सोच जो है वो बच्चे के अंदर नहीं होती है,
यहाँ पर वस्तुस्थायित्व का जो है अभाव पाया जाता है, उस बात को यहाँ पर आंसर के रूप में दिया गया है कि जीन प्याजे जिन्होंने चार प्रकार की अवस्थाएं बताई थी, यहाँ पर प्रश्न है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहा है यहाँ पर, कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में जो है कौन सी विशेषता दिखाई देती है, तो यहाँ पर विचारों की अनुत्क्रमणशीलता होती है, यानी कि एक बात के दो पहलुओं के बारे में वो नहीं सोच सकता है, पलट कर किसी दूसरी बात के बारे में नहीं सोच सकता है, यानी कि किसी चीज़ के उसको फायदे है पता हैं तो उसके लॉस क्या होगा ये पता नहीं है, तो इस चीज़ की उसके अंदर कमी होती है। तो ये सीटेट में आने वाले तीन प्रश्न हैं। ये पेपर था 2019 जुलाई का सीटेट का प्रश्न, इसमें हमने CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया है।